नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव आईपीएल न्यूज ऑफ द डे। जी हाँ, बड़ी बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं, बड़े बड़ी बातें बताते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इस टूर्नामेंट का, इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का जो है 35वां मैच खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। जी हाँ, मैच काफ़ी अच्छा हुआ, एक लो स्कोर टोटल बनाया आरसीबी की टीम ने। विराट कोहली की टीम ने महज 127 रन बनाए 20 ओवरों में। शुरुआती झटकों के बाद उबर नहीं पाई आरसीबी की टीम और 127 रन तक पहुंच पाई। इस मैच में पार्थिव पटेल ने 51 रन जड़े और आखिरी की एंकर इनिंग खेली टिम साउदी ने। गेंदबाज हैं लेकिन भाई आरसीबी बड़े नाम हैं, बस यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि कोई परफॉर्म कर रही है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ज़रूर करेगी। यहाँ पर चेन्नई को भी दिक्कत हुई इस स्कोर को चेस करने में, एक लो स्कोर चेस था लेकिन आखिरी 18वें ओवर में, जी हाँ आखिरी तीन ओवर में 21 रनों की ज़रूरत थी और 18वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने तीन बड़े छक्के जड़े हैं युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज को और मैच जो है उसी मैच ओवर में ही ख़त्म कर दिया। यानी कि 21 रन जो है उसी ओवर में ख़त्म हो गए और 19वें और 20वें ओवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच के बाद काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिली जो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल धोनी के तीन छक्के बैक टू बैक, ऐसा लगा कि पुराना धोनी जो है वो वापस आ चुका है, यानी कि माही मार रहा है एक बार फिर से होने लगा। उसके बाद ये खबरें आई कि भाई विराट कोहली ने विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो इग्नोर किया, साफ तौर पर इग्नोर किया। ये पिछले मैच में भी खबर सामने आई थी लेकिन अब ये खबर भी सामने आई कि विराट कोहली ने इग्नोर किया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पे जब मैच ख़त्म करके जा रहे थे तो उनका एक फ़ैन आ गया, उसने महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए, अंपायर आए, अंपायर उनको हटा रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी दरिया दिली दिखाई और ये कह दिया कि भाई मेरे फ़ैन को मत छुओ यार, क्योंकि मेरे फैंस हैं, इतने प्यार से आते हैं, मिलते जुलते हैं तो भाई बनता है। धोनी की दरिया दिली हमने पहले भी देखी है और इस बार भी देखी है, तो उम्मीद यही की जा रही है। साथ में रविंद्र जडेजा ने एक ऐसा रिएक्शन दिया, मैच की पहली गेंद विराट कोहली का विकेट और जश्न नहीं मनाया, ये थोड़ा ताजुब था। अब क्या इस पे मसला था, ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी खबरों के पिटारे में दिखा देते हैं। तो आइए, आपके लिए पेश है पांच ऐसी बड़ी खबरें जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का रोमांच अपने चरम पर है। यहाँ पर सभी टीमें एक दूसरे को हराकर प्लेऑफ्स में पहुंचने की जहदोजहद में लगी हुई हैं। ऐसे में बीती शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट से हरा दिया और एक बार फिर इस जीत में सूत्रधार रहे सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, लेकिन मैच के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की दरियादिली मैदान पर एक बार फिर देखने को मिली। दरअसल मैच खत्म करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जब डगआउट की तरफ वापस जा रहे थे तब उनका एक फैन बीच में आ गया। ये फैन करीब 16-17 साल का था। आपको बता दें कि इस फैन ने धोनी के पैर छू लिए लेकिन धोनी ने अपने ही अंदाज में उसे अपना आशीर्वाद दिया और उसके बाद फैन भी भावुक हो गया और धोनी भी भावुक हो गए। हालांकि उस फैन को जब मैदान पर अंपायर हटा रहे थे तब धोनी ने अंपायर को रोका और उन्होंने कहा कि उस फैन को जाने दें। ऐसे में धोनी की अपनी फैंस के प्रति एक बार फिर दरियादली देखने को मिली। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के विकेटकीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया की दिल और धड़कन कहा जाता है। ये दोनों की दोस्ती हर कोई पसंद करता है, इन दोनों की तारीफ हर कोई करता है। एक कैप्टन कूल हैं तो दूसरे कैप्टन अग्रेसिव कहे जाते हैं। लेकिन हाल ही में आरसीबी और सीएसके के बीच एक मैच के दौरान विराट का गुस्सा धोनी के खिलाफ देखने को मिला। जी हाँ, खबरों के मुताबिक विराट कोहली की टीम आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 6 विकेट से पस्त झेल चुकी थी और उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी शानदार पारी खेलने के बाद पूरी आरसीबी टीम से मिल रहे थे। आरसीबी की टीम से मिलने के बाद विराट कोहली जब सामने आए तो धोनी को ऐसा लगा कि भाई विराट कोहली से भी बात करनी चाहिए, लेकिन विराट ने इस तरह से इग्नोर किया कि धोनी वहां खड़े रहकर देखते रहे। खैर, आपको बता दें कि ये मैच की बात होती है। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बात से वाकिफ हैं कि विराट कोहली को मैच हारने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन विराट कोहली का गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता। हालांकि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट कोहली ने धोनी की जमकर तारीफ की और विराट कोहली ने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का रोमांच अपने चरम पर है। ऐसे में सभी टीमें
प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। ऐसे में बीती शाम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखा गया, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट से जीत लिया। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने पुणे में खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को महज 128 रनों का लक्ष्य दिया। आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। विराट कोहली, ब्रेंडन मैकुलम, एबी डिविलियर्स, मनदीप सिंह में से कोई भी नहीं चल सका और ये स्कोर सिर्फ 127 पर जा रुका। लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी काफी शानदार रही। शुरुआती झटके से उभर कर रायडू और रैना ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और अपनी टीम को 50 के पार पहुंचाया। लेकिन उसके बाद असली काम किया दुनिया के बेस्ट फिनिशर और सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। जी हाँ, आपको बता दें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच आरसीबी की झोली में जा रहा है, लेकिन आरसीबी की झोली में कैसे जाता, यहाँ खड़े थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। आखिरी 3 ओवरों में 22 रनों की दरकार थी। पिच पे रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, बॉल बल्ले पर रुक कर आ रहा था, लेकिन युजवेंद्र चहल का वो ओवर टर्निंग पॉइंट निकला। सबसे पहले तो धोनी ने उस ओवर में एक छक्का जड़ा, जिसके बाद युजवेंद्र चहल ने दबाव में धोनी के सामने नो बॉल डाल दी और नो बॉल पर धोनी को फ्री हिट मिला। फ्री हिट की गेंद धोनी को फुटबॉल जैसी लगी और धोनी ने एक और छक्का जड़ दिया। बस फिर क्या था, 2 छक्के जड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने तीसरा छक्का जड़कर 18वें ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया। यानी कि मैच का टर्निंग पॉइंट 18वां ओवर था। जिस हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि धोनी आज सोच कर आए हैं कि आज वो अपनी टीम को जीत दिलाकर ही ले जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का रोमांच अपने चरम पर है। यहाँ पर सभी टीमें एक दूसरे को हराकर प्लेऑफ्स में पहुंचने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। ऐसे में बीती शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18वें ओवर में 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही और आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने महज 128 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि ये छोटा टोटल था, लेकिन आरसीबी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। बीच में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन 18वें ओवर में आया सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का तूफान। आपको बता दें कि आखिरी 3 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 18वां ओवर दिया आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने युजवेंद्र चहल को। जी हां, चहल गेंदबाजी तो काफी अच्छी कर रहे थे और सोच भी अच्छी थी कि धोनी लेग स्पिनर पर थोड़ा सा दिक्कत खाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने पासा ही पलट दिया। सबसे पहले तो उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा, जिसके बाद चहल दबाव में आ गए और उन्होंने एक नो बॉल डाल दी। नो बॉल डालने के बाद धोनी पूरे शबाब में थे और धोनी ने उसके बाद लगातार 2 छक्के जड़े, यानी कि कुल मिलाकर 3 गेंदों में धोनी ने 3 छक्के जड़कर अपनी टीम की झोली में जीत डाल दी और विराट कोहली को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों अब उनकी टीम प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो सकती है। रविंद्र जडेजा की फिरकी ने शनिवार को आरसीबी की कमर तोड़कर रख दी। जडेजा ने गेंदबाजी आक्रमण पर लगाए जाने के साथ ही आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को पवेलियन की राह दिखा दी। जडेजा ने विराट को बोल्ड किया। आरसीबी की पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर विराट का विकेट गिरा। कोहली एक ऐसी गेंद पर बोल्ड हुए जिसके लिए मानो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। उस वक्त उनके लिए हैरानी जताने के सिवा कोई और चारा नहीं था, लेकिन उस बेशकीमती विकेट के बावजूद जडेजा मैदान पर किसी तरह का जश्न मनाते नहीं दिखे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जडेजा को बिल्कुल शान देख न सिर्फ मैच देख रहे दर्शक दंग रह गए, बल्कि कमेंट्री बॉक्स में दिग्गज कपिल देव ने भी आश्चर्य जताया। आरसीबी को 127 रनों पर रोकने के बाद खुद जडेजा ने जश्न न मनाने का राज खोला। हाल ही में जडेजा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, विकेट थोड़ा सूखा था और मैं बस अपनी गेंदबाजी का आनंद ले रहा था। असल में वो मेरी पहली गेंद थी और मैं जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। विराट का मैंने बड़ा विकेट लिया और मैं अपनी लय को आगे भी बनाए रखना चाहता था। तो भाई देखा आपने कैसी बड़ी बड़ी खबरें जो है वो सामने आई, महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड, विराट कोहली से रिलेटेड, यानी कि थाला और चिन्ना थाला से रिलेटेड कई ऐसी सारी खबरें हमने आपको बताई। तो फिलहाल तो हमारे प्रोग्राम में इतना ही है, आपसे फिर मुलाकात होगी और 5 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल Next9 Sports को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भी कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा वादा है कि हम आप तक पहुंचाएंगे ये सारी अपडेट्स। जी हाँ, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त।